ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी के समीपवर्ती मंडियाली में श्रद्धालुओं से भरा हुआ टेम्पो अनियंत्रित होकर पहाड़ी से टकरा गया, जिसमें सवार लगभग 21 श्रद्धालु घायल हुए हैं। इनमें ज्यादातर श्रद्धालु पंजाब के लुधियाना से मां के दर्शनों के लिए आए हुए थे। टेम्पो में लगभग 40 सवारियां थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छानबीन शुरू कर दी है और टेम्पो को बॉन्ड करके मामला दर्ज कर लिया है। विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी जी के सीमावर्ती मंडियाली में श्रद्धालुओं से भरा हुआ टेम्पो अनियंत्रित होकर पहाड़ी से जा टकराया, जिसमें सवार लगभग 21 श्रद्धालु घायल हुए हैं। इनमें ज्यादातर श्रद्धालु पंजाब के लुधियाना से मां के दर्शन के लिए आए थे, जबकि टेम्पो हरियाणा नंबर का है और टेम्पो में सवार श्रद्धालु माता के दर्शन करके वापिस जा रहे थे। टेम्पो में लगभग 40 सवारियां थी। पुलिस ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि श्रवण मास के दौरान ट्रक टेम्पो ट्रैक्टर में सवार होकर पहाड़ी क्षेत्रों में ना आएं। प्राप्त जानकारी के अनुसार ये श्रद्धालु वापस लौट रहे थे और नीचे उतराई के दौरान अचानक टेम्पो अपना नियंत्रण खो बैठा और ड्राइवर के कंट्रोल से बाहर हो गया तथा ड्राइवर ने उसे पहाड़ी की तरफ मार दिया। हालांकि अगर टेम्पो नीचे खाई की तरफ गिरता तो ज्यादा नुकसान हो सकता था। घायलों को तुरंत सीमावर्ती अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका प्राथमिक उपचार किया जा रहा है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छानबीन शुरू कर दी है, साथ ही टेम्पो को भी बाउंड कर लिया है। नैनादेवी में माता जी के दर्शन के लिए आ रहे श्रद्धालुओं का टेम्पो तकनीकी कारणों के कारण पलट गया, पर ड्राइवर की सावधानी के कारण उसने टेम्पो पहाड़ी की ओर पलटा, जिसमें 10-20 यात्रियों को मामूली सी चोटें आई हैं, किसी की जान हताहत नहीं हुई है। देवी के पास ही नमेला नाम की जगह है, वहां पे एक ट्रक का एक्सीडेंट हुआ है। ये ट्रक हरियाणा के नंबर का है, रजिस्ट्रेशन नंबर इसका, लेकिन जो श्रद्धालु इसमें थे वो लुधियाना से आए थे। तो इसमें 21 लोग इंजर्ड हुए हैं, जिन सभी को प्राथमिक चिकित्सा के लिए सीएचसी भांडल भेजा गया था, वहाँ उनका इलाज चल रहा है। और ट्रक हमने इसमें FIR दर्ज कर ली है, ट्रक को पुलिस के कब्जे में ले लिया गया है। लोगों से हमारी ये गुजारिश रहेगी कि वो जैसे कि श्रावण नवरात्रा आ रहे हैं, कृपया ट्रकों में या ट्रैक्टरों में ना आए। वैसे तो हम लोग सभी को श्रावण नवरात्रों में टोबा में उतार लेते हैं, जहाँ से वो टैक्सियों में या पैदल आते हैं, लेकिन फिर भी मेरी लोगों से ये गुजारिश रहेगी जब भी हिमाचल आएँ तो कृपया ट्रालों में, ट्रैक्टरों में और ट्रकों में सफ़र ना करें। ये पहाड़ी इलाका होने